बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनकी ज़्यादातर परेशानियों का कारण वो खुद होते हैं, और जानते हैं परेशानियां क्या होती हैं, दूसरों के एक्शन पर अपना रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि दूसरे के एक्शन पर मेरा क्या कंट्रोल, बात बिल्कुल सही है, दूसरे के एक्शन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके रिएक्शन पर आपका एक कंट्रोल हो सकता है। इस कंट्रोल को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल ये है कि जिस काम को करने का आपका बहुत ज़्यादा मन हो और वो काम आप किसी दूसरे के एक्शन की वजह से कर रहे हो और आप उसको रोकें, तब उसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। मान लीजिए कोई आपको आकर इंस्टिगेट करता है, गुस्सा दिलाता है और आप भड़क जाते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं उसको कामयाब कर देते हैं, आप भड़क जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं और आप उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके जितनी ज़ोर से वो आपकी तरफ आया है आप उस पर भड़कते हैं और फिर झगड़ा होता है और फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और आप उसके लपेटे में आ जाते हैं। कभी ऐसा करके देखिए सेल्फ कंट्रोल। कोई अगर आपको इंस्टिगेट करता है तो आप कोई रिएक्शन मत दीजिए। मुझे मालूम है आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा ये करने के लिए, क्योंकि अगर आप पहली मर्तबा ये करेंगे तो आप शायद कर भी ना पाए, आपको बहुत अंदर से फोर्स लगाना होगा। देखिए फोर्स आपको तब भी लगाना होगा जब आप किसी के इंस्टिगेट करने पर गुस्सा करें। अब तय आपको करना है, फोर्स आप दोनों हालत में लगा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल करने की हालत में आप लगाते हैं उस झगड़े को रोकने के लिए, और झगड़े को अगर नहीं रोकना है, उसको रिएक्शन देना है, तब भी आप फोर्स लगा रहे हैं, वो भी फोर्स लगाना होगा। तो तय आपको करना है। मैं आपको कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आजकल लोग मोबाइल को लेकर बहुत बिजी रहते हैं, ज़्यादातर हाथ में मोबाइल रहता है, हर वक्त आंखें मोबाइल पर लगी रहती हैं। आप कोशिश कीजिए कि इस टेम्पटेशन को आप थोड़ा सा रोकें। हालांकि मैं खुद एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, हम सबको अपने दिन में से जो हमारा कामकाजी दिन होता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का, उसमें से कभी ना कभी कोई 30 मिनट ऐसे रखने चाहिए, या 30 मिनट या 45 मिनट, एक घंटा भी रख सकते हैं अगर आप में हिम्मत है तो, जिसमें आप ई ब्रेक लें। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होगा, किसी का व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया, कोई नया फेसबुक वीडियो तो नहीं आया, कोई नया यूट्यूब वीडियो तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट हुआ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं आ गई, लेकिन इसकी शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से करनी होगी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए। और अगर आप दिन में एक बार कभी भी सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो समझिए कि आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को अपने हाथ से रोक सकते हैं, आपकी सारी परेशानियों को रोकने की चाबी आपके पास आ जाएगी। फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा, आसान नहीं होगा, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े झमेलों से बच जाएंगे। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए सिखाना चाहता हूँ ताकि आप उस तरह की मुसीबतों में ना पड़ें जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि सामने वाला होता है। एक्शन उसका होता है, आप उस पर रिएक्शन देते हैं, और उस पर रिएक्शन देते ही आप उसके जाल में आ जाते हैं। आपको इस जाल में फंसने से बचना है। आप एक स्मार्टनेस दिखाइए, आपको एक छोटी सी एक स्मार्टनेस दिखानी होगी। जैसे ही आपको लगता है कि कोई आपको फंसा रहा है, कई बार लोग सामने वाला आपको इरिटेट करता है, कोई कमेंट पास करता है, कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको गुस्सा आए, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके झांसे में आए, लेकिन आपको उसके झांसे में नहीं आना है, उसको करने दीजिए। उस अपने उस एक्शन पर वो जैसा रिएक्शन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो मत दीजिए। आप देखिए ऐसा करके आप उसको भी फ्रस्ट्रेट कर देंगे और एक बड़ा झगड़ा होने से रुक जाएगा। आजकल ज़्यादातर लोग घरों में अपना समय बिता रहे हैं और एक साथ, ये पहला मौका है सभी के लिए जो इतने लंबे समय तक लोग अपने घर वालों के साथ रहे हैं, और अपने ही घर वालों की बहुत सी खराब आदतें भी एक दूसरे को पता चली हैं, और ऐसे में सहनशीलता का लेवल भी नीचे हो गया है और झगड़े बढ़ रहे हैं। तो ये एक उपाय, एक ऐसा कारगर उपाय है जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल करके बहुत कुछ रोक सकते हैं। मैं फिर कहूँगा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये फोर्स उस फोर्स से अच्छा होगा जो आप गुस्सा करने, झगड़ा करने, चीखने चिल्लाने में लगाएंगे। तो ये एक मेरा थॉट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था।
मुझसे काफ़ी लोग बहुत तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि अपनी जो मेरी कुछ अपनी पर्सनल फाइंडिंग्स हैं अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस सेल्फ कंट्रोल के थ्रू बहुत सारी ऐसी बातें ऐसी बातों से बच पाएँ जो नेगेटिव होती हैं या जो आपको उदास परेशान या चिड़चिड़ा बना देती हैं। इसके लिए थोड़ा सा काम रहना भी आपको सीखना होगा, और आप देखेंगे कि शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको करना, लेकिन अगर आपको एक बार इस सेल्फ कंट्रोल की आदत पड़ गई तो फिर आप इस सेल्फ कंट्रोल की चाबी से बहुत सारे ताले खोलना चाहेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो ये सेल्फ कंट्रोल की मास्टर की आपको बड़े से बड़े मुश्किल से बचाने में कामयाब हो जाएगी।